माइनक्राफ्ट आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सर्वाइव, वो भी वन ब्लॉक पे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आते ही यहाँ पे 1 से 5 दिन के बीच में मैंने ना यहाँ पे फटाफट से बहुत सारी माइनिंग करने लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे माइनिंग कर ही रहा था माइनिंग मैंने बहुत सारी यहाँ पे कर ली, और मेरे को ना यहाँ पे स्टार्ट में बहुत सारा ये सब कुछ मिल रहा था। और माइनिंग करने के बाद मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक बेस बना दिया, और उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी और माइनिंग की, और मैंने ना यहाँ पे आने वाला था एक चेस्ट, यानी कि एक दूसरा फेस भी आने वाला था, बट एक आ गई थी मेरी एक चेस्ट। और यहाँ पे ना मैंने फटाफट से यहाँ पे जो भी मेरे पास डर्ट थी उससे मैंने थोड़ा इसको इंक्रीज किया। ये हो जाने के बाद यहाँ पे ना मेरे को साइड में थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिख रहा था, जहाँ पे मैंने इसको लगा के इस जो ये जो वाली चेस्ट थी इसको खोला, देख लिया एक बार कि क्या इसके अंदर कुछ है तो नहीं। इसको तोड़ मैंने फटाफट से इसको तोड़ लिया, और यहाँ पे मेरा आ जाता है एक दूसरा फेस। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे दूसरा फेस आ रहा है, उतनी देर तक मैं अपना मैंने मेरे पास जो भी काम का सामान था उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे मैंने फटाफट से मेरे को जो भी टूल्स बनाने थे वो मैं बना रहा था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वुड को इकट्ठा करके यहाँ पे मैंने एक बना लिया क्राफ्टिंग टेबल, और उसको यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं बनाने वाला हूँ स्टिक्स। स्टिक को कुछ इस टाइप से बना के यहाँ पे मैंने बना लिया जो मेरे मेन टूल्स है वो, यानी कि एक पिकैक्स कुछ इस टाइप से वुडन वाली, और यहाँ पे मैंने एक बना दी एक्स। तो यस इतना सब कुछ काफ़ी है। और यहाँ पे मेरे पास जो भी वुड था स्टिक थी वो मैंने वापस से अंदर रख दी। मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ी और माइनिंग को स्टार्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे माइनिंग मैंने बहुत सारी कर ली थी, और यहाँ पे माइनिंग करने के बाद मेरे पास इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी डर्ट। तो डर्ट इकट्ठी हो जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाए जिस पे मैं करने वाला हूँ फार्मिंग, और यहाँ पे हमारा जो खाना है वो भी यहाँ पे बनता रहे फार्म में। तो मैंने ना फटाफट से यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक सरफेस कुछ इस टाइप से बना लिया, और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी डर्ट कम पड़ गई इसलिए मैंने यहाँ से डर्ट को निकाल के यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद मैंने एक होई ले ली, होई बना दी, और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने इसको वापस से अरेंज करके यहाँ पे होई को ले जाने के बाद यहाँ पे मैंने सारी डर्ट को होई कर ली। यस मैं डर्ट को होई तो कर दूंगा, बट मेरे पास वाटर बकेट नहीं थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी और माइनिंग इसके बाद कर ली थी, मैं उस क्लिप को नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत देर लगी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाटर को लगा के यहाँ पे थोड़े सीड्स को लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो माइनिंग थी उसको वापस से कंटिन्यू कर दिया कुछ इस टाइप से। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग कर ही रहा था, और यहाँ पे रात भी होने वाली थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ी और माइनिंग की, और यहाँ पे मेरा आ गया एक एनिमल काऊ आ गई, और उसके बाद मेरी आ गई एक शीप। और शिप के आ जाने के बाद यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी डर्ट वापस से इकट्ठा करके मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक छोटा सा बेस बना लिया जाए जहाँ पे मैं इन सभी एनिमल को रखने वाला हूँ। तो मैंने फटाफट से ना यहाँ पे बहुत बड़ा वाला बेस कुछ इस टाइप से बना दिया। और अब ना यहाँ पे मैं इस बेस को बना देने के बाद मैंने वापस नाइट को भी मैंने यहाँ पे माइनिंग को शुरू ही रखी, और यहाँ पे मेरे आ जाते बहुत सारे ये क्या बोलते हैं चिकन्स आ गई। चिकन्स को आ जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बहुत सारे ये हो चुके हैं जानवर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से एक शीप को ले जाए और यहाँ पे जितने भी चिकन्स हैं उनको वहाँ पे ले जाते, क्योंकि ना ये मेरे को बार बार बीच में परेशान कर रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे चलो ले जाते इनको। तो मैंने ना यहाँ पे फटाफट से मैं इनको सीड को दिखा दिखा के भाई लालच दे दे के इस साइड ले आया। और ये हो जाने के बाद मैंने फटाफट से उस साइड मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर 2 ब्लॉक ऐसे ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद ये 2 जानवर बचे थे मैंने इन दोनों को मार दिया, क्योंकि ये मेरे काम आने वाले थे खाने के लिए, तो मैंने फटाफट से इनको दोनों को मार दिया। उसके बाद मैंने और माइनिंग यहाँ पे शुरू रखी। माइनिंग तो मैं बंद कर ही नहीं रहा था क्योंकि ये 1 ब्लॉक है, और यहाँ पे माइनिंग से ही सब पूरा आधार है पूरा गेम। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी और माइनिंग की, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लगभग डर्ट भी बहुत सारी आ रही थी, और यहाँ पे मेरे आ जाती है वूल देने वाली, अरे इसको क्या बोलते हैं बकरी, यहाँ पे आ जाती है मेरे एक शायद ये बकरी है क्या है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शीप है हाँ ये शीप है। तो यहाँ पे आ जाती है मेरी एक शीप, और यहाँ पे मैंने थोड़ा और यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगली वाली वीडियो में यहाँ पे घर बनाऊंगा, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा सा फिर से बेस बना लिया कुछ स्टेप से। यहाँ पे मैं बेस को भी फटाफट से बना लिया। और यहाँ पे मेरी डर्ट खत्म होने आ गई थी, तो मैंने लास्ट मतलब एक ही वो हुई लाइन, और उसके बाद यहाँ पे मेरा आ चुका था सेकंड फेस। तो यहाँ पे मैंने फट से अपना जो भी सामान था उसको रहा देख रहा था सेकंड फेस की, देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे मेरे को थोड़ी और डर्ट मिल गई, और मैंने वापस से डर्ट को लगा दिया। तो अब मैंने सोचा आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे डर्ट ही क्यों लगाया, नहीं
मैं इस डर्ट को ब्लू प्रिंट करके यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ कोबल स्टोन। तो यहाँ पे मेरा आ चुका था अंडरग्राउंड वाला ये कुछ फेस है वो, और यहाँ पे इस बीच यहाँ पे मेरे आने वाले थे आयरन स्टोन और सब कुछ आने वाला था। तो मैंने वापस से अपनी माइनिंग को स्टार्ट किया और यहाँ पे थोड़े से कोबल स्टोन को डिग किया, और यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 को डिग किया, और यहाँ पे एक कोल भी आ गया तो मैंने कोल को भी निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा ये बचा था यहाँ पे मैंने लगा दिए कॉबल स्टोन। तो यस, हमारा वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होगी। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वाले बेस पे अपना घर बनाएंगे। चलो बाय।